नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवी और आप देख रहे हैं एस24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप और गणेश पूरी दुनिया में मशहूर गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर मेलोडी जंक्शन ग्रुप कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 30 गानों की प्रस्तुति, आमंत्रित गायक और गायिका है संजय दुबे, सुनीता श्रीवास्तव, नैना जैन, डॉक्टर मणि सक्सेना, आयुषी स्वामी, राजेंद्र मालवीय, अनुपमा श्रीवास्तव, तनु हरोड़े, गणेश गुजर, नवनीत चेतवानी ने अच्छी प्रस्तुति देकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। लाइव परफॉर्मेंस में विक्रम सिरमौलिया और उनके सहयोगियों ने मनोज यादव, जितेंद्र खनौजिया, इकबाल खान, विष्णु शर्मा, दीप चौधरी अपनी संगीत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नुसरत मेहंदी, निदेशक एमपी उर्दू अकादमी, और विशेष अतिथि में रक्षदास समीम जाहिद, अध्यक्ष बेगम ऑफ भोपाल, कुंवर विश्वनाथ सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, और अजीज खान, अध्यक्ष लायंस क्लब उपस्थित रहे। आइए सबसे पहले सुनते हैं नुसूर अहमद और नैना जैन को। इसके बाद हम बात करेंगे आज जो कलाकारों ने प्रस्तुति दी है उन कलाकारों से हम एक मुलाकात करेंगे। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। क्या बात है भैया,
प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, ये कितना वक्त लगा सर इसमें? ये तकरीबन हमने 3 महीने इसकी तैयारी करी, और क्योंकि ये सब ज़्यादातर इसमें नशूर अहमद को छोड़ के सब चौकिया प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, और इन लोगों को बहुत मेहनत कराना पड़ती है, ख़ासतौर से इनको उच्चारण पे तलफ़ के ऊपर लें बहुत मेहनत कराना पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं और सब अच्छे फील्ड से हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और इन लोगों का डेडिकेशन है बहुत। 3 महीने में आज आपके सामने रिजल्ट मौजूद है, क्योंकि 3 महीने में इतना अच्छा गा सकता है कोई आदमी? देखिए, मेहनत करने पर जैसे डॉक्टर मनी सक्सेना है, तो वो बाकायदा उर्दू पढ़ रही हैं, अरबी पढ़ रही हैं, और उनको ये पता था कि लता भाई ने भी गाने के लिए या संस्कृत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उर्दू और अरबी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और गाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा उच्चारण साफ, और इसके लिए मेहनत हम लोग करते हैं जी। और हमारे साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, शायर बद्रवासी साहब इंटरनेशनल शायर हैं, वो भी क्लास लेते हैं, और नशूर अहमद तो मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफ़ी कहे जाते हैं, उन्हीं सब की मेहनत करें आज रिजल्ट आया जी। जैसे कि सर 8वां ये प्रोग्राम किया है, तो मोहम्मद रफ़ी के प्रोग्राम साल में एक ही बार करते हैं या एक दो बार और भी करते हैं? नहीं, हम 2-3 प्रोग्राम तो ज़रूर करते हैं, ये तो उनके 42वीं पुण्यतिथि है, 31 तारीख को वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे, और ये कहना भी दिल पे चोट लगती है कि वो तो कहीं गए नहीं है, क्योंकि ना उनका हर गाना हर भाव का हमें ऐसा लगता है ये हमारे ऊपर ही गुजर रही है, और वो हर घर में और हर महफिल में रचे बसे हैं, और ये 8वां प्रोग्राम है। नमस्कार, मेलोडी जंक्शन ग्रुप से मैं अनुपमा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मिशूर जी ने अपने ग्रुप में शामिल किया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही व्यवस्थित प्रोग्राम है, और बहुत सारे हमारे लिस्नर्स बैठे हुए सर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत गीत सुनने को मिल रहे हैं। मोहम्मद रफी जी की याद में हम सब ने बहुत ही अच्छा रविंद्र भवन में प्रोग्राम किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। नाम डॉक्टर मनी सक्सेना है, 2012 से रेगुलर गा रही हूँ, और पहले भी गाती रहती थी, सीखा है, और मेरे फादर पहले सिखाते थे मुझे, फिर उसके बाद अलग अलग गुरुओं से सीखा है मैंने। इतना है तुमसे प्यार मुझे, दिल पुकारे आरे आरे। जी, नुशूर साहब का प्रोग्राम है, उन्होंने गाने का मौका दिया है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, रविंद्र भवन हमेशा बहुत अच्छा। जी, ऑडियंस की बहुत आभारी हूँ मैं कि इतनी बारिश में इतनी तकलीफ उठा के वो हमें सुनने आए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों की जो यहाँ पे हैं, काफी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, गाने के भी मुशायरे भी, मैंने उनके ज्यादातर सारे प्रोग्राम्स अटेंड भी किए हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, बहुत नई प्रतिभाओं के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। मेरा नाम नैना जैन है, हाँ मेरी अभी एक प्रस्तुति हुई है, मैंने गाया था दो चाहने वालों की मुलाकात है बल्ला, लेडीज टेलर मूवी का बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ, बहुत खूबसूरत गाना है, पुराना गाना है, देखिए जो पुराने गाने वो अधिकतर राग पे बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो हमें कम से कम 2 महीने हो गए थे, हम 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। जी, 2 महीनों से हम तैयारी कर रहे हैं सारे सॉन्ग्स की, हम सभी सिंगर्स बहुत मेहनत किए, 2 महीने से तैयारी कर रहे थे हम लोग, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, अधिकतर लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक हम वहीं रहते हैं, तो फैमिली भी है, लेकिन हमने बहुत सभी लोगों ने टीम के साथ मिलकर हमने एफर्ट लगाया, और सभी को एक साथ करके हमने मेहनत करके आज ये प्रोग्राम हम प्रेजेंट कर रहे हैं, होपफुली सबको पसंद आना चाहिए। जी, थैंक यू। जी, इस प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहिए? इस प्रोग्राम के लिए अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम इसीलिए मैं कहूँगी कि हम सब ने मेहनत की,
और जब आप मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल से, तो उसका आउटपुट अच्छा ही आना चाहिए। बस आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहें, भगवान ऐसे ही साथ दें, हम सब एक साथ मिलके पूरी टीम के साथ एफर्ट लगा के ऐसे ही आगे भी मेहनत करते रहेंगे, और होपफुली जैसा आज हमारी ऑडियंस को पसंद आए, फ्यूचर में हमेशा ऑडियंस को हमारा प्रोग्राम पसंद आए, ऐसी आशा रखती हूँ। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।